हरे कृष्णा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई। लोग सोचते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि का निर्माण किया हमारे सुख के लिए, हमारे भोग के लिए। एक बार एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी के पास प्रश्न पूछता है कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई, हमारे भोग करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ भगवान ने सृष्टि बनाई भोग करने के लिए, पर तुम्हारे भोग के लिए नहीं, स्वयं के भोग के लिए। तो भगवान ने ये सृष्टि बनाई बद्ध जीवों का वास्तव में उद्धार करने के लिए, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि वो अपने आप को पवित्र करके, अपने अंदर जो विकार हैं उनको खत्म करके भगवान के धाम में वापस जाने के लिए योग्य बन सकें। तो ये जितने बद्ध जीव हैं, कंडीशन्ड सोल हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो सृष्टि का एकमात्र जो पर्पज़ है वो है कीर्तन करना। कीर्तन करना का अर्थ भगवान की कीर्ति का गायन करना, भगवान के पवित्र नामों का जप करना, उनका कीर्तन करना, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान की कथा बोलना, तो ये सब कीर्तन है। तो ये संसार बनाने का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है कीर्तन, भगवान की कीर्ति का गायन। पर इस संसार में सब लोग क्या कर रहे हैं, वो भगवान का कीर्तन ना करके अपना खुद का, अपना स्वयं का कीर्तन कर रहे हैं। हर कोई इस संसार में महान बनना चाहता है, कोई पदवी हासिल करना चाहता है, कोई बहुत बड़ा ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, तो सब लोग अपना स्वयं का कीर्तन करने में लगे हैं। भगवद गीता में भगवान इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहते हैं, लोग अपने आप को सोचते हैं ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे अधिक बलवान हूँ, मैं ही सबसे अधिक सुखी हूँ। तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को इस तरह से समझता है, इस संसार के भोग प्राप्त करना चाहता है। पर वास्तव में ये जो सृष्टि है भगवान ने क्यों बनाई, हमारा उद्धार करने के लिए, ताकि हम भगवान का कीर्तन करके अपने आप को पवित्र कर सकें। भगवान इस पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, उसको बनाते हैं, उसको चलाते हैं, और अंत में भगवान ही उस सृष्टि का संहार भी करते हैं और सब जीवों को फिर से अपने अंदर खींच लेते हैं। तो भगवान सबको अपने अंदर खींच के अपने अंदर रखते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा अंधेरा कमरा हो तो सब जीव भगवान के अंदर उस समय पर निवास करते हैं। जैसे कि मानिए एक बालक है, वो बालक बाहर खेलने के लिए गया और खेल खेल में बालक दूसरों के साथ झगड़ने लगा, उनके साथ मारपीट करने लगा, और जब पिता को पता चलता है तो वो क्या करता है, वो आता है बच्चे को कान से पकड़कर, शायद एक थप्पड़ भी मारकर उसको घर के अंदर वापस लेकर जाता है और उसको अंदर एक बंद कमरे में बंद कर देता है कि मैंने तुम्हें भेजा था बाहर खेलने के लिए, तुम बाहर जाकर मारपीट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, अभी तुम रहो यहाँ पर इस बंद कमरे में। और बच्चे की माता को बोलता है कि इसको अभी खाना देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा वहाँ पर अंधेरे कमरे में बंद है, भूख प्यास से, पिता से डांट भी पड़ी, थोड़ी मार भी पड़ी, पर थोड़ी देर बाद पिता का गुस्सा शांत होता है, फिर से आता है, वापस कमरे का लॉक खोलता है, बच्चे को सहलाता है, बच्चे की माता को बोलता है चलो इसको खाना दो थोड़ा, तो खाना खाने के बाद फिर से उसको बॉल पकड़ाता है, ठीक है चलो जाओ बाहर खेलो जाकर, फिर से एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए। तो उसी तरह से भगवान संहार करते हैं, सब जीव भगवान के अंदर हैं, फिर से भगवान फिर से इस सृष्टि की रचना करते हैं, फिर से जीवों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना उद्धार करने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए, ताकि हम भगवान की ओर ध्यान लगाकर, भगवान का कीर्तन करके अपने विकारों को नष्ट कर सकें। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, दूसरों के साथ ईर्ष्या की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, उसको हम खत्म कर सकें, अपने आप को पवित्र कर सकें और भगवान के धाम में वापस जाने के योग्य बन सकें। तो इस सृष्टि का जो एकमात्र कारण है वो है बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको पवित्र होने के लिए एक अवसर दिया गया है, और ये अवसर है कि हम भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें, भगवान की महिमा का गुणगान करें, और इस तरह से पवित्र होकर हम भगवान के धाम में वापस जा सकें, हमेशा के लिए भगवान के साथ निवास करने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब शास्त्रों का यही एक निचोड़ है कि हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए नित्य दिन, और इस तरह से अपने आप को पवित्र करना चाहिए। हरे कृष्णा।